हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एमपी शर्मा। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, हिंदी में जिसको तापघात कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में जिसको लू लगना कहते हैं। तो इस प्रश्न के साथ बात शुरू करते हैं कि लू लगना क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फारेनहाइट, कुछ लोग इसको 98.4 डिग्री फारेनहाइट भी मानते हैं, इसको अपन यदि सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी शरीर का ताप 98.6 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। और यदि वातावरण में गर्मी के कारण, धूप में निकलने के कारण, तेज धूप में निकलने के कारण शरीर का ताप 104 डिग्री फारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो ये तापघात की अवस्था है, लू लगने की अवस्था है, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक कहते हैं इसको। और यह अकेले हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये सारी दुनिया की समस्या है। अमेरिका के एक क्षेत्र में तापमान इतना ज्यादा रहता है कि वहाँ यदि कोई लोग भटक जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, लू लगकर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस स्थान का नाम, उस इलाके का नाम डेथ वैली है। वहाँ पहले भटककर बहुत लोग मरे हैं तो इस इलाके का नाम ही डेथ वैली कर दिया गया। हम इस टॉपिक को बिंदुवार पढ़ेंगे और पॉइंट्स में समझेंगे इसको। पहला पॉइंट है सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या है, लू के लक्षण क्या है और शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है लू लगने का। दूसरा पॉइंट होगा प्रिकॉशंस, सावधानियां, यानी बचाव के तरीके क्या है। तीसरा बिंदु होगा फर्स्ट एड, यदि किसी के लू लग गई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक डॉक्टर तक पहुंचे, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचने से पहले अपन क्या करें जिससे मरीज को ज्यादा नुकसान नहीं हो, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। लास्ट में पढ़ेंगे अपन कि क्या बिना धूप में बाहर निकले भी तापघात जैसी अवस्था हो सकती है। एक टर्म है एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक। तो कुछ और बिंदु भी हैं, इनको समझेंगे। बिना धूप में बाहर निकले ही तापघात जैसी अवस्थाएं, एक एक करके शुरू करते हैं अपन। कहां से बात शुरू करते हैं अपन? सिम्टम्स से। लक्षणों में सबसे प्रमुख तो यही है कि शरीर का ताप 104 डिग्री फारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। दूसरा है शरीर पर जगह जगह पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है तेज सिरदर्द होता है। फिर नेक्स्ट है डिजीनेस, धुंधा दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है कंफ्यूजन, विभ्रम की अवस्था, बोलना कुछ आता है, शब्द कुछ निकलते हैं, विचार शून्य सा हो जाता है, आदमी पहचानता नहीं है, कंफ्यूजन की स्टेट। नेक्स्ट तेज पसीने आना, बहुत तेजी से पसीने आते हैं। अपन जानते हैं कि पसीने आना हमारा कूलिंग मैकेनिज्म है, शरीर गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए पसीने आते हैं, पानी भाप बन के उठता है पसीने का और शरीर से ऊष्मा लेता है इस क्रिया के दौरान, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये कूलिंग मैकेनिज्म ज़्यादा सक्रिय होगा तो तेज़ी से पसीने आएंगे। लेकिन यदि पसीने नहीं आए तो और भी खतरनाक अवस्था है, यानी हमारा कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है और शरीर अब पसीने के द्वारा ठंडा नहीं होगा, कुछ और उपाय करने पड़ेंगे। तो पसीने ना आना और गंभीर अवस्था। नेक्स्ट है साल्ट इम्बैलेंस, शरीर में लवणों का संतुलन बिगड़ जाना, साल्ट्स का संतुलन समाप्त हो जाना। तेज पसीने आए तो पसीने के साथ में जो जल निकलता है उसमें लवण भी घुले होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं उसमें, तो शरीर में इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं, साल्ट इम्बैलेंस। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेब्डोमायोलाइसिस, मायोलाइसिस पेशियों का क्षतिग्रस्त होना। हमारी आंत में बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं और उनके द्वारा विषाक्त पदार्थ भी बनते हैं और मल के साथ उनका निष्कासन होता है, लेकिन तेज बुखार के कारण, शरीर का ताप बढ़ने के कारण ये विषाक्त पदार्थ इंटेस्टाइन से अवशोषित होकर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में घूमते हैं, ये पेशियों तक पहुंचते हैं और पेशियों में, हमारी इन पेशियों में उनका विखंडन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। मसल्स में एक हीमोग्लोबिन की तरह का पदार्थ है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, मायो का मतलब पेशियां, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह का पदार्थ है, वही लाल रंग का है। पेशियों के टूटने से ये वहां से निकलता है और ये भी रक्त में आ गया और ये घूमता हुआ पहुंचता है किडनी के पास में और किडनी इसको बाहर निकालता है।
तो मांसपेशियों के क्षतिग्रस्त होने से तो मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, और ये मायोग्लोबिन जब किडनी के पास पहुंचता है तो वहां से बाहर निकलता है, तो यूरिन का रंग गहरे से गहरा होता चला जाएगा, और क्योंकि लाल रंग का है तो यूरिन कोको कोला के तरह का यूरिन या बिना दूध की चाय के रंग का यूरिन निष्कासित होता है, बहुत गहरे रंग का यूरिन निष्कासित होता है। और इस सारी प्रोसेस में किडनी डैमेज होती है, किडनी क्षतिग्रस्त होती है, जो एक अच्छी अवस्था नहीं है। तो रेबडोमायोलाइसिस किडनी डैमेज हो जाती है और यूरिन का रंग गहरा हो जाता है, कोको कोला की तरह का यूरिन निकलता है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और है, ये जो विषाक्त पदार्थ हैं ये हमारी रक्त केशिकाएं हैं, इन केशिकाओं की ये आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली को भी ये क्षतिग्रस्त करते हैं, और इनके क्षतिग्रस्त होने से इनमें से जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है, ये भी एक खतरनाक अवस्था है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसको ठीक से समझते हैं अपन। अपन जानते हैं सर्दियों में सर्दी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? हमारी जो ये रक्तवाहिनियां हैं, बाहर की तरफ की रक्तवाहिनियां हैं शरीर में, ये सिकुड़ती हैं, तो इनका ब्लड अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की रक्तवाहिनियों में ये ब्लड पहुंचकर वहां का दाब बढ़ा देता है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। ये ज्यादा प्रेशर का ब्लड जब ब्रेन में पहुंचता है तो वहां किसी कैपिलरी को तोड़कर लकवे की अवस्था उत्पन्न कर देता है, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं उसको। ये तो सर्दियों में हुआ, गर्मियों में इसका ठीक उल्टा है। गर्मियों में ये रक्तवाहिनियां फैलती हैं, और इनके फैलने से अंदर की रक्तवाहिनियों का ब्लड भी यहां आ गया, तो इनके फैलने से हाथ पैरों में तो सूजन आ गई, और अंदर की रक्तवाहिनियों का ब्लड बाहर आ गया तो वहां रक्त का दाब कम हो जाता है, लो बीपी हो गया, और ये लो बीपी ब्रेन तक प्रभाव डालता है। किस तरह से? ब्रेन में ब्लड पूरा नहीं जाता, और ब्रेन में ब्लड पूरा नहीं जाता है तो चक्कर आते हैं, चक्कर गिरने की जैसी अवस्था हो जाती है, और उसके कारण जो चोट लगती है वो फिर और गंभीर होती है, तो हाथ पैरों में सूजन और लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है लंग्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन जानते हैं कि गर्मियों में गीला कपड़ा भी बहुत जल्दी सूख जाता है, वायु के अंदर गर्मी के कारण नमी को सोखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब ये गर्म और नमी रहित वायु हमारे श्वास के द्वारा लंग्स में पहुंचती है, पहुंचेगी ये तो, क्योंकि श्वास लेना तो जरूरी है, तो ये वहां डैमेज करती है लंग्स को, वहां से पानी को खींचती है। हमारे शरीर में हालांकि इस वायु को ठंडा करने का मैकेनिज्म है, इस पूरे रास्ते में, नाक से लेकर फेफड़ों तक के पूरे रास्ते में जहां भी म्यूकस है उस म्यूकस के कारण वायु ठंडी होती है, लेकिन इसकी एक सीमा है, इसकी तो एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा ये ठंडी नहीं कर सकती। तो ये गर्म वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचकर वहां से नमी को खींचती है और लंग्स को डैमेज करती है। नेक्स्ट है ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन का काम तापक्रम से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन विकृत हो जाती हैं, डीनेचुरेट हो जाती हैं तापक्रम बढ़ता है, तो थोड़ा सा ताप बढ़ने पर ही वो ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर विकृति आ जाती है, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। अब ब्रेन के काम से जुड़ी हुई कुछ प्रोटीन यदि विकृत हो गई तो मस्तिष्क के काम प्रभावित होते हैं, और यदि ये डीनेचुरेशन, यदि ये विकृतिकरण स्थायी है तब तो खतरनाक अवस्था है, तब तो उस व्यक्ति को रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन यदि ये विकृतिकरण, ये डीनेचुरेशन अस्थायी है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वैसे ही यदि ये वापस सामान्य होकर काम करती हैं तो कोई खतरनाक अवस्था नहीं होती। तो ये प्रोटीन का विकृतिकरण, डीनेचुरेशन, जो ब्रेन के काम को प्रभावित करता है। तापघात तो बहुत खतरनाक अवस्था है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम बचाव कर लें इस तापघात से, लू लगने ही न दें, और लू नहीं लगे इसके लिए सब लोग जानते हैं क्या क्या करना होता है, बचाव करते हैं सब, वो तो कोई गलती होती है तो लू लगती है। तो मैं केवल उनको दोहराऊंगा, पहला पॉइंट है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत आवश्यक हो तो ही घर से निकले अपन, हम गर्मी में बाहर नहीं निकले, तेज धूप में बाहर नहीं निकले, ये सबसे बढ़िया बचाव का तरीका है। दूसरा है निकलना ही पड़े यदि तो पर्याप्त पानी पीकर, बिना प्यास के भी पानी पीकर निकले, और पानी साथ लेकर चले, क्योंकि पानी का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन होता है, ये पानी का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, पानी साथ होना चाहिए। पानी साथ होगा तो हम मुंह धो लेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, कूलिंग हो जाएगी हमारी बॉडी की, लू नहीं लगेगी। नेक्स्ट है शरीर का कोई भाग खुला हुआ नहीं हो, जो खुले भाग होते हैं वो तेजी से गर्म होते हैं,
धूप सीधे आगे टकराती है तो तेजी से शरीर को गर्म करती है, खास तौर से सिर और गर्दन तो बिल्कुल ढके हुए हों, या तो छतरी साथ लेके चले, और छतरी नहीं है तो तौलिए से सिर और गर्दन को ढके चले और शरीर का कोई भाग खुला हुआ नहीं हो, कपड़े टाइट नहीं हो, ढीले ढाले कपड़े हों, तो पसीने आएंगे, पसीने उड़ेंगे भाप बन के, तो कूलिंग साथ साथ होती रहेगी, पानी अपने पास में है इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, जहां लंबी जर्नी है, मान लो पैदल चल रहे हैं, लंबी जर्नी है, या मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, या गाड़ी है जिसमें एसी नहीं है, तो जहां छाया मिले, जहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा सा विराम दे दें अपन यात्रा को, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ना रुक जाएगा। हम हाथ पैरों को धोले, वहां पर सिर को धोले, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यदि आगे बढ़ना और जरूरी हो तो फिर अपना आगे फिर बढ़े, लेकिन ये व्यवस्था करके बढ़े। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमारे को बचा सकती हैं लू लगने से। अब मान लें लू लग गई, बचाव के बाद में भी लू लग गई, तो अब क्या करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि घर में चिकित्सा नहीं करें, डॉक्टर के पास पहुंचे, सबसे जरूरी है ये, जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेकिन इस बीच में अपन क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्टर तक पहुंचे तब तक क्या क्या कर सकते हैं जिससे हालत और खराब नहीं हो, उसको फर्स्ट एड कहते हैं अपन, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो फर्स्ट एड में अपन क्या कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो चुका है तो थोड़ा शीतल जल पिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार शीतल जल पिलाते रहें, प्यास नहीं हो तो भी थोड़ा थोड़ा शीतल जल पिलाते रहें। दूसरा, यदि उपलब्ध हो तो शिकंजी और ORS, क्योंकि साल्ट इम्बेलेंस हुआ है तो वो इसमें ज़्यादा अच्छे रहते। नेक्स्ट है, शरीर का ताप कम करने का प्रयास करें, और इसका सबसे बढ़िया सबसे आसान तरीका है बर्फ के पानी की पट्टी चढ़ाकर शरीर के ताप को कम करें, सिर पर और हाथ पैरों पर बर्फ की पट्टियां चढ़ाएं, शरीर का ताप कम करने का प्रयास करें, और क्योंकि धीरे धीरे शरीर का ताप कम होगा, बहुत देर तक पट्टी चढ़ानी पड़ेगी। कितना कम करें, 100 और 101 डिग्री फारेनहाइट के बीच टेम्परेचर आ जाए, इसका मतलब खतरा टल चुका है, और बाकी का काम डॉक्टर करेगा, डॉक्टर तक पहुंचेंगे तो डॉक्टर करेगा बाकी का काम, इससे ज्यादा कम नहीं करें। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लू लगने की तापघात की अवस्था में अल्कोहल और कैफीन दोनों हानिकारक हैं, तो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ नहीं लें, यानी नो वाइन, शराब नहीं पीनी चाहिए। खैर, जब लू लग चुकी है तो शराब पीने की तो कोई नहीं सोचेगा, लेकिन कोई आदमी ये सोचे कि चिल्ड बियर पी लेते हैं और इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो गलत है, क्योंकि अल्कोहल इस समय ज़्यादा खराब स्थिति उत्पन्न करेगा, तो नो अल्कोहल। इसी तरह से कैफीन, तो चाय कॉफी में होता है कैफीन, तो कोई हॉट ड्रिंक तो लेगा नहीं, चाय कॉफी तो खैर नहीं पियेंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होती है खूब सारी, और वो भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो नो बियर नो कोल्ड ड्रिंक्स, केवल ठंडा पानी, शिकंजी या ORS। ये कुछ साधारण से उपाय हैं जो डॉक्टर तक पहुंचने के बीच के समय में हमारे को करने चाहिए। अब अपन सबसे आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बिना धूप में गए भी तापघात जैसी अवस्थाएं हो सकती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें लू के समान लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से पहला है एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक। हम जानते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पसीने आते हैं, दौड़ते हैं तो हमारे पसीने आते हैं, कारण उसका हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उसको ठंडा करने के लिए पसीने आते हैं। लेकिन मान लो हम एक्सरसाइज बहुत तेज गति से बहुत समय तक लगातार करते ही रहे, तो शरीर में उष्मा जो निकलेगी वो अब जल्दी ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उष्मा बनने की दर तो तेज है और उसको ठंडा करने की दर कम है। ऐसी स्थिति होगी तो हमारे शरीर का ताप 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, और यदि 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला गया, इसका मतलब लू लगने जैसी अवस्था हो चुकी है, हीट स्ट्रोक हो चुका है हमारे को, तापघात हो चुका है हमारे को, और इसका इलाज भी वैसे ही होएगा जैसे तापघात का होता है, जैसे लू लगने का इलाज होता है। दूसरा है, कार धूप में खड़ी है, अभी बहुत तेज गर्मी नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस ही है बाहर का ताप, लेकिन कार धूप में खड़ी है, तो कार के अंदर का ताप, उसका टेम्परेचर 55 के आसपास होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं अपन इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण कार का टेम्परेचर 55 के आसपास हो गया,
और ऐसी स्थिति में यदि कार के दरवाजे खोलकर अपन तुरंत बैठ जाएंगे तो बहुत नुकसान होने का डर है। एक तो ये है कि रेगजिन के अंदर से इस टेम्परेचर पर जो गैसेज निकलती हैं वो जहरीली गैसेज होती हैं, एक बात तो ये। दूसरा, ये 55 डिग्री सेल्सियस की हवा हमारे लंग्स में जाके उनको बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करेगी, बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी उनको। तो जो काम धूप में बहुत देर में रहने में होगा वो इस कार में बहुत कम समय में हो जाएगा। तो क्या करें, कार के दरवाजे खोलकर जब तक कार का टेम्परेचर थोड़ा सा कम नहीं हो जाए और वो अंदर की हवा बाहर नहीं निकल जाए तब तक कार में तुरंत नहीं बैठें, ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और तीसरा है, किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन के कारण तेज बुखार हो गया, 104 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा बुखार हो गया, तो उसके सामने दो खतरे हो गए। पहला खतरा तो इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न हुआ है और दूसरा खतरा इस ज़्यादा बुखार के कारण हुआ है। तो इन्फेक्शन तो जब ठीक होगा तभी होगा और उसके लिए तो डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, लेकिन ये जो अचानक अवस्था उत्पन्न हो गई इसको तो हमें फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर तक पहुँचने से पहले इसको बुखार को उतारना ज़रूरी है, और बुखार उतारने का एक ही तरीका है, वो क्या, बर्फ़ के पानी की पट्टी चढ़ाएं, सिर और पैरों पर बर्फ़ के पानी की पट्टी तब तक चढ़ाएं जब तक टेम्परेचर 101 डिग्री फारेनहाइट के आसपास नहीं आ जाए। इतना टेम्परेचर कम होते ही फिर खतरा टल जाता है, और जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं वो अपना काम करेंगी। तो जो नया खतरा उत्पन्न हुआ था वो हमने टाल दिया। इस बुखार के कारण भी, इस टेम्परेचर के कारण भी लू लगने जैसी अवस्था होती है, वही विभ्रम की अवस्था होती है, आदमी बहकी बहकी बात करता है, खड़ा नहीं हो सकता, चक्कर आएंगे, गिरेगा, वो सारी अवस्थाएँ होती हैं जो लू में होती हैं। तो ये सावधानी रखने की बात है, क्योंकि इन दो को तो अपन अवॉइड कर सकते हैं, ये अवस्था कभी भी किसी के साथ ही हो सकती है और बच्चों में और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो बुखार को उतारना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये तीन अवस्थाएं जो तापघात के कारण नहीं होती लेकिन लक्षण वही होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।